हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं GPT-4 क्या है और GPT-4 से क्या होगा। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें GPT-4 को, तो GPT-4 एक्चुअली में जो GPT-3 वर्जन जो आया था ChatGPT में, जो यूज़ होने वाली जो एल्गोरिथम्स हैं, AI एल्गोरिथम्स, उन्हीं का लेटेस्ट वर्जन जो कि OpenAI द्वारा अभी बनाया गया है। इसमें जो GPT-3 में जितनी भी चीज़ें थी उन सभी में इम्प्रूवमेंट किया गया है। वहाँ पे चाहे आप बात कर ले एक्यूरेसी की, कि कोई इन्फॉर्मेशन को जो GPT-3 है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करता था। सो जब GPT-3 में कई सारे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब पूछते थे तो वहाँ पे कई बार एरर दे देता था, तो वो सारी जो चीज़ें हैं उनको फिक्स किया गया होगा। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी ऐप है, गूगल की ऐप हो या कोई भी गेम है, वो जो गेम है उसका फर्स्ट वर्जन जैसे रिलीज़ होता है उसमें कहीं ना कहीं बग्स वगैरह होते हैं, बिकॉज वो न्यू है, बहुत जो फीचर्स हैं उसमें आने होते हैं। तो जैसे ही जब कोई कंपनी नया फीचर लॉन्च करती है तो उसी एप्लीकेशन में अपडेट करके उसका नया वर्जन या फिर कहें संस्करण उसका रिलीज़ कर देती है, और उसमें जो भी बग्स अगर प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो नया फीचर है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन फीचर्स को और उन जो सब जो डेटा एप्लीकेशन जो यूज़ कर रही है उसमें अगर कोई एरर्स प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको सॉल्व करके एक नया वर्जन रिलीज़ करते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी है, जो GPT-3 है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये है GPT-4, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है वो पहले से बेटर है, ज़्यादा डेटा को ये जो है समझ सकता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। और अगर GPT-3 से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो आंसर्स है इसके, जो आने वाले जो डेटा जो आउटपुट्स होगा वो GPT-3 के मुकाबले कहीं ज़्यादा एक्यूरेट और कहीं ज़्यादा और ज़्यादा नेचुरल लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ पर जो AI की टेक्नोलॉजी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसका भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है, जिसकी मदद से जो आपको आउटपुट्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा बेटर होंगे। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक सुपर कंप्यूटर, आप कह सकते हो Azure कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उससे ट्रेंड किया गया है। सो इसमें काफ़ी सारे जो एडवांस एल्गोरिथम्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। सो इसका जो यूज़ है वो अभी ChatGPT के जो प्लस वर्जन है या फिर आप कह रहे हो टर्बो वर्जन जो आया है ChatGPT का, उसमें GPT-4 का यूज़ किया गया है। और ये स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी कैपेबिलिटीज़ की, तो ये क्या क्या कर सकता है, तो अगर हम देखें तो इसके क्रिएटिव्स अगर हम इससे सवाल करते हैं तो ये उसका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से दे पाता है और ज़्यादा क्रिएटिव है GPT-3 के कंपेरिजन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे देखिए GPT-3 है जो ChatGPT में है ऑलरेडी, जो फ्री वर्जन में आप यूज़ करते हैं अभी, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट को ही ये एक्सेप्ट करता है, उसमें ऐसा कोई भी इमेज को पुट करने का या फिर कहें कि अटैच करने का कोई भी ऐसे ऑप्शंस नहीं है, जहाँ पे ये इमेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन को समझ सके और उसके जो डिटेल्स हैं उनको कैप्चर कर सके और आपको आउटपुट दे सके। लेकिन जो इसका GPT-4 वर्जन है उसमें ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे ये इमेज को समझ सकता है, इमेज में जो भी डिटेल्स हैं और डेटा है उसको रीड करके प्रेजेंट कर सकता है इन अ सिंपल वे में। और गाइस अगर हम बात करें तो ये लॉन्गर टेक्स्ट को भी समझ सकता है, और बड़े कंटेंट के लिए अगर हम इसको यूज़ करना चाहें, बड़े कंटेंट क्रिएशन के लिए, स्क्रिप्ट्स के लिए, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 25,000 वर्ड्स के जो टेक्स्ट है उसका जो डेटा होगा उससे ज़्यादा भी ये समझ सकता है। मगर इस बात करें अगर लिमिटेशंस की, तो यहाँ जैसे इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, यानी कि GPT-3 से कहीं ज़्यादा बेटर है, कहीं ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकता है, अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, पावरफुल एल्गोरिथम्स हैं अभी तक के, तो यहाँ पे उसी तरह से इसके लिमिटेशंस भी हैं कुछ, जैसे कि GPT-3 में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ GPT-3 अगर आप सवाल करते हैं तो उसका कुछ और ही जो है उसका आंसर दे देता है या फिर कई सवालों में वो एरर कर देता है। सेम यहाँ पे चीज़ GPT-4 में भी है, लेकिन ये आगे जाके इम्प्रूवमेंट होएगा धीरे धीरे। अभी के लिए क्या होता है कि इसमें जो सोशल या फिर कुछ ऐसे लॉजिकल या फिर ज़्यादा जो रीजनिंग वाले जो सवाल पूछते हैं, तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम कर देता है, यानी कि इसमें भी जो अभी भी एरर्स हैं, बग्स हैं, जो कि किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में जो भी बग्स होते हैं, सेम एज ए आप से इसको समझ सकते हैं कि हर तरह के सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज़ एप्लीकेशंस हो गए या फिर जो एंड्रॉयड की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे उनमें इम्प्रूवमेंट आता जाता है, यानी कि जो उन पर वर्क किया जाता है तो उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, अपडेट के थ्रू वो सॉल्व हो जाते हैं, लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ हो जाता है और वो बेटर और फास्टर होता है पहले से। सेम यहाँ पे चीज़ जो है GPT-4 में भी होने वाली है, तो यहाँ पे अभी भी इसमें रिसर्च और जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो अभी चलता रहता है, और यहाँ पे जो GPT-4 है वो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन के लिए कह लो या फिर कह लो जो लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेसेस हैं, वहाँ पे ये जो AI टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होने वाली, क्योंकि इसमें जो एल्गोरिथम्स है वो नॉर्मल एल्गोरिथम्स और जो है नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा बेटर हैं। सो यहाँ पे जो भी इसका यूज़ है वो बड़े लेवल पे होने वाला है।
सो गाइस ये था GPT-4 क्या है। आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको AI से रिलेटेड या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, सो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप वो जरूर से वॉच करना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।